सऊदी अरब बन रहा है सेक्युलर तो भारत में कट्टरता क्यों? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत में 27 सितंबर की रात को जब आतंकी संगठन PFI पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, ठीक उसी समय सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि सुल्तान ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? जी नहीं, प्रिंस सलमान के PM बनने से अब सऊदी अरब में बदलाव की हवा बहेगी। वो आधुनिक विचारधारा के पढ़े लिखे इंसान हैं, जो सऊदी अरब को रूढ़िवादी वीडियो से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, प्रिंस सलमान अपना इरादा जता चुके हैं कि वह 2030 तक सऊदी अरब के मजहबी कट्टरता को उखाड़ फेंकेंगे। वह सऊदी अरब को हर धर्म को मानने वाले के लिए सही शनु बनाना चाहते हैं, यानी वह उस देश को सेक्युलर बनाना चाहते हैं जहां इस्लाम का जन्म हुआ, जबकि कट्टरपंथी 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वे यहां के सेक्युलर संविधान को समाप्त कर शरिया लागू करना चाहते हैं और भारत के तथा कथित सेक्युलर और लिबरल उन कट्टरपंथियों का समर्थन करते हैं। PFI पर बैन का सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध नहीं किया, सपा सांसद शफीकुर रहमान बक ने भी विरोध किया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और राजद के लालू यादव ने तो PFI के साथ RMSS पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। भारत के सेक्युलर राजनीति की सोच भी किसी न किसी तरह मजहबी कट्टरता के प्रति नम्र रवैया रखती है। वे एक राष्ट्रवादी संगठन की देशद्रोही संगठन से तुलना करने में जरा भी परहेज नहीं करते। इसीलिए केरल में पिछले 16 साल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस सरकारों की सरपस्ती में PFI इतना फूला फला है। उधर सऊदी अरब में बदलाव की बयार बह रही है। नए प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि सऊदी अरब की पहचान एक कट्टर मजहबी देश के तौर पर नहीं बल्कि एक उदार देश के तौर पर है, जहां हर धर्म हर संप्रदाय को एक नजर से देखा जाता है और किसी के ऊपर कोई मजहबी पाबंदी ना हो। लिहाजा क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने मजहबी कट्टरता के खिलाफ बेहद सख्त मुहिम चला रखी है। इसलिए उनका सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बनना इस्लामिक दुनिया में बड़े बदलाव का संदेश लेकर आया है। इसके संकेत पिछले साल ही मिल गए, जब दिसंबर में क्राउन प्रिंस ने कट्टरवादी संगठन तबलीगी जमात को आतंक का दरवाजा करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। जबकि भारत जहां तबलीगी जमात शुरू हुई थी तब तक जमात को प्रतिबंधित नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल उसका समर्थन करते रहे। कोरोना काल में जब तबलीगी जमात ने अपना कैंप स्थगित करने से इनकार कर दिया था तो भारत में उसके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठी थी, लेकिन भारत के तथा कथित सेक्युलर दल और कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी जमात के पक्ष में खड़े हो